एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज न्यू ईयर ईव पे आप सबका वेलकम। और आज के जो आर्टिकल्स हैं जो द हिंदू से मैंने लिए हैं, तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उस पर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में आज कुछ नहीं आया है। सो पहला जो आर्टिकल है वो इवेंट जो भी हुआ है जिसमें कफ सिरप को लेके कुछ इश्यू क्रिएट हुआ है उसके बारे में है। सो दैट इज प्रेसिपिस ऑफ शेम, राइट। नंबर टू इज बैड ऑफ बैड टू वर्ड्स, और नंबर थ्री इज जिसमें बैड टू वर्ड्स में जो मिस्टर नेतन्याहू इलेक्ट हुए हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में है। और थर्ड वन द अदर साइड ऑफ द सेंचुरी, जो केरला में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के एक बड़ा आर्टिकल है, उसमें कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो पहला वाला आर्टिकल है प्रेसिपिस ऑफ शेम, जो जो अभी जो कफ सिरप जो जिसको बैन कर दिया गया जिन कंपनीज को, उसके बारे में है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सो द प्रेसिपिस ऑफ शेम का मतलब होता है क्लिफ। प्रेसिपिस का मतलब होता है क्लिफ, एक चट्टान, खड़ी चट्टान ऑफ शेम, ठीक है। नॉट टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इज वॉट अंडर माइंस ट्रस्ट इन इंडियन फार्मा। जो सही टाइम पे जो करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए उसकी वजह से हमारे ट्रस्ट का पे अब क्वेश्चन उठ रहा है, हमारे इंडियन फार्मा पे एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर आप डिटेल में समझे तो कोरोना पीरियड में जो हमारे वैक्सीन ने कितने लोगों को बेनिफिट दिया, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया, इम्यूनाइज किया। लेकिन अभी हाल के जो इस सिचुएशन को लेकर के, जो पहले गांबिया में कफ सिरप को लेकर 18 बच्चों की, सॉरी 66 जो बच्चे थे उनकी इनकी जान गई और उसको ओवरलुक कर दिया गया, अवॉइड कर दिया गया। और उसके बाद अब रिसेंटली उज्बेकिस्तान में जो जो केसेस आ रहे हैं कफ सिरप को लेने के बाद जो बच्चों की डेथ हुई है, उससे हमारे जो फार्मा इंडस्ट्री में एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हुआ, उसके बारे में ये आर्टिकल है। सो चिल्ड्रन एटलीस्ट 66 इन द गांबिया एंड 18 इन उज्बेकिस्तान, ठीक है। वाइल द गांबिया केस वाज हाईलाइटेड बाय द WHO, जो गांबिया का केस था वो WHO ने हाईलाइट तो किया, लेकिन हमने उसको कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था कि उनके सैंपल्स में कुछ इशू है। ऐसा तो है नहीं, जबकि उस वक्त गांबिया ने उस कंपनी को बैन कर दिया था कि हमें उनसे की फाइनली उनसे हमको डील नहीं करनी है। और उस केस में भी क्या निकला था, उस कफ सिरप में था क्या, एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल, जो सब्सटेंस इंडस्ट्रियल केमिकल सब्सटेंस है और इस कफ सिरप में होना ही नहीं चाहिए। अब फिलहाल की केस के हिसाब से उज्बेकिस्तान में लेटेस्ट केस आया है उसको लेकर के WHO भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है, और उसके हिसाब से अब एक दूसरी इमेज बन के आ रही है। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ DCGI brazened it out with WHO in a letter suggesting that its own test of control samples of made in pharma product showed them to be free of contaminated. So, उन्होंने बोला जो ये गांबिया का केस ले रहे हैं, ये गांबिया के केस को लेकर के उन्होंने क्वेश्चन कहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि पता नहीं, सॉरी नॉट इंडियन गवर्नमेंट, DCGI ने कहा था कि उनके सैंपल्स में ऐसा सब्सटेंस आ रहा है, पर हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे सैंपल्स फ्री हैं, ऐसा कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर नहीं है। नाउ उसके बाद क्या हुआ, गांबियन पैनल्स ओन टेस्ट फाउंड द कंटामिनेट, उनके जो गांबिया के सैंपल्स में वो सब्सटेंस था। और हाउ कंट्रोल सैंपल्स हैव नथिंग टू डू विद द एक्चुअल स्पाइक सैंपल, द DCGI एंड सब्सिक्वेंटली द हेल्थ मिनिस्ट्री चोज टू देयर आफ्टर टेक द लाइन दैट गांबियन स्कैंडल वॉज पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू मेलिन इंडियाज रेपुटेशन एज ए सप्लायर ऑफ फार्मास्यूटिकल गुड्स। उन्होंने गांबिया के क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया था ये कह के कि वो तो एक कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन अब क्या हुआ, इन द केस ऑफ नोएडा बेस्ड मेडिन बायोटेक विच मेड द DOK-1 कफ सिरप का नाम है एसोसिएटेड विद द डेथ्स इन उज्बेकिस्तान, द गवर्नमेंट हैज अगेन रिवोक द एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड reportedly ordered a freeze on its production facilities. अब यहाँ पे भी उनका जो कंपनी है मेरियन बायोटेक, उनका एक लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है, बिकॉज इट इज अर्ली डेज एंड देर इज नो WHO वर्डिक्ट ऑन द कॉज ऑफ कंटेमिनेशन हियर, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सॉट टू अडॉप्ट अ वेट एंड वॉच पोजिशन, ठीक है। इसको अब उन्होंने वेट एंड वॉच की पोजिशन पे रख लिया है। इट इज हाई टाइम दैट इंडिया टेक्स अ सीरियस लुक एट द कोर इश्यूज ऑफ व्हाई पैचेस ऑफ एक्सपोर्टेड कफ सिरप हैव बीन फाउंड टू बी लेस्ड विद द बैंड केमिकल्स आर एंड प्ले विक्टिम, ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हमें क्या लेना है इसके अंदर से, कि जो ये कफ सिरप में जो सब्सटेंस की बात हो रही है, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन क्रिएट करता है। और हमारी जो जो फार्मा पॉलिसीज हैं, जो हमारी
जो अभी प्रेजेंट में जो फार्मा पॉलिसी है उसको हम मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो सब्सटेंस की बात हो रही है एथिलीन ग्लाइकॉल और डाइथिलीन ग्लाइकॉल, ये क्या चीज होती है, कैसे उस सिरप में मिला, और इस पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, वो सब्सटेंस पूछ सकते हैं प्री में, और मेंस के लिए जो हमारी मेडिकल सॉरी फार्मास्यूटिकल पॉलिसी है उसको और DCGI के बारे में हमको समझना चाहिए कि ये संस्था क्या है, इसके पास कौन कौन से राइट्स हैं, और फिलहाल के लिए क्या रोल पोर्ट्रे कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 2 इज अबाउट नेतन्याहू, बैक टू वर्ड्स। अभी नेतन्याहू विल क्विकन इजराइल्स फॉल इनटू अ रिप्रेसिव थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है जो जो ऐसी पावर जो भगवान के नाम पे क्रिएट की जाए, और जो ऐसा रूल जो जो गॉड्स विल के ऊपर हम जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करते हैं उसे कहते हैं थियोक्रेसी। ठीक है, भगवान के नाम पे क्रिएट करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन जो एक कंट्री के लेवल पे हो, और रिप्रेसिव का मतलब होता है दबाना, किसी की भावनाओं को दबाना, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना। नाउ अभी क्या हुआ है समझने वाली बात, ये जो आर्टिकल है इसमें इंडिया और इसराइल के संबंधों के बारे में नहीं है, सिर्फ वहां की पॉलिटिक्स के बारे में दिया हुआ। तो हमें क्या समझना है कि थियोक्रेसी क्या चीज होती है, क्योंकि GS पेपर 1 में टाइप्स ऑफ जिसमें आपका कल्चरल वाला पार्ट है, सोशल इश्यूज वाला पार्ट है, और वहां पे आपके रीजनल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, वहां थियोक्रेसी के बारे में पूछा जा सकता है कि थियोक्रेसी क्या चीज होती है, उसके बेसिक्स क्या है, और इसकी थियोक्रेसी का कॉन्ट्रास्ट क्या है, सेक्युलरिज्म क्या चीज है, धर्म निरपेक्षता क्या है जिसमें कोई भी धर्म को हम फॉलो नहीं करते, थियोक्रेसी क्या चीज है, राइट। और अब समझते हैं इस आर्टिकल के बारे में कि अ डिसाइसिव शिफ्ट इन इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इनके चुनने के बाद, बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद छठी बार पॉलिटिक्स में चेंज होगा, बड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चेंज होगा, एंड इट्स रिलेशनशिप विद द पैलेस्टीन्स सब जानते हैं, तो इसको हमें मैप में भी लोकेट करना चाहिए फिर से एक बार कि पैलेस्टीन कहाँ पे है, इसराइल कहाँ पे है, उनके बीच में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो मेंस के एस्पेक्ट से हमको फिर से एक बार रिफ्रेशर ले लेना चाहिए, क्योंकि नई चीज आई है तो मेंस में क्वेश्चन क्रिएट कर सकती है। नाउ समझने वाली बात क्या है, द कोएलिशन अग्रीमेंट अ डॉक्यूमेंट दैट डिटरमिन्स गवर्निंग एजेंडा, जो उनका एजेंडा है नेतन्याहू का, सजेस्ट दैट मिस्टर नेतन्याहू गवर्नमेंट वुड परस्यू रेडिकल राइट विंग पॉलिसी सीकिंग टू एक्सपेंड इलीगल जुए सेटलमेंट इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। ये आ गया मैप का इलाका जहां पे उनका जो डिस्प्यूट है वो तैयार करना है और मैप में उसको लोकेट करना है। रिमेक द जुडिशियल सिस्टम बाय हैंडिंग मोर पावर्स टू पार्लियामेंट ओवर कोर्ट्स एंड अमेंड द बेसिक लॉ रिमूविंग हर्डल्स फॉर दोज विद एक्सट्रीमिस्ट व्यूज फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो ठीक है, जो उनकी पॉलिसीज अभी तक छठी बार वो PM बने हैं, तो उनकी पॉलिसीज क्या रही, और उनका जो फ्रंट है पैलेस्टीन और वेस्ट बैंक को लेकर के जो बहुत सालों से न्यूज में है, कोई सोल्यूशन कभी निकलता है कभी लगता है निकल गया सोल्यूशन, कभी फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हमको फिर से एक बार रिफ्रेशर लेना है। ठीक है, सो इसके लिए, और इसके अलावा सम ऑफ मिस्टर नेतन्याहू कोलिशन मेंबर्स आर ऑल्सो नोन फॉर देयर एंटी LGBT पोजिशन। ये एक नया टर्न है जो उनके जो कोलिशन गवर्नमेंट में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो एंटी LGBT पोजीशंस के हैं, उसको लेकर के भी कुछ नई चीज अगर फर्दर क्रिएट होती है तो वो भी इस पॉलिटिक्स का या फिर एक क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। ठीक है, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं द अदर साइड ऑफ द सेंचुरी, जो केरला में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में है। सो ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन एक डायरेक्टिव आया है, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू मार्क 1 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस from the boundaries of all protected areas as ecologically sensitive has led to protest in Kerala. ये है protest का main कारण। बहुत सारे articles आ रहे थे तो पर मैं एक बड़े से editorial का wait कर रही थी जहां हमको सब कुछ एक बार में मिल जाए, और editorial का फायदा यही होता है कि आपको अलग अलग articles पढ़ने के बजाय आपको सारी चीज डिटेल में analysis की तरह मिल जाती है हिंदू में। सो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव आया कि 1 किलोमीटर के आसपास एरियल डिस्टेंस पे इकोलॉजिकल एरिया को सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट करना, और डायरेक्टिव टू मार्क 1 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव, उनको सेंसिटिव मार्क किया जाएगा, जाना चाहिए, उसके लिए रिपोर्ट मांगी है। अभी इसमें अभी इसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं आई है, इस पर एक रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब समझते हैं जो हमारे जो पार्ट प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, द इवेंट्स होल्डिंग इन द स्टेट ओवर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दैट एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड सेंचुरी इन द कंट्री शुड हैव अ मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द देयर डीमार्केट बाउंड्रीज। ये पहला पॉइंट है।
नाउ और किस सेंचुरी की बात हो रही है, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वैसे नहीं, इसके आसपास की और भी सेंचुरीज हैं जो वहां के इलाके के आसपास, उन सब में ऐसा ही टर्मोइल चल रहा है। नाउ एक व्यक्ति की बात हो रही है जिसके खड़े होने के बाद, थॉमस नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्वेश्चन क्रिएट किया, उसके बाद एक प्रोटेस्ट चालू हो गया। उसकी इशू किया था कि थॉमस हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव फार्मिंग फॉलोइंग हार्ट एलमेंट्स फियर दैट द गवर्नमेंट, इसकी इस चीज के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट विल टेक अवे द होल्डिंग एंड रेंडर हिम लैंडलेस वंस द ईएसजी रिजीम कम्स इनटू इफेक्ट। उसके पास जो जमीन है वो चली जाएगी जैसे ही ईएसजी का रिजीम लगेगा कि 1 किलोमीटर के आसपास के दायरे को ईएसजी में कवर कर लिया जाएगा, तो उसकी जमीन जो वहां उसी इलाके में है तो वो लैंडलेस हो जाएगा। ये उसका इश्यू था और इसके चलते और किसान आ गए और प्रोटेस्ट चालू हो गया। ठीक है, नाउ समझते हैं कि हमें हमें प्रिपरेशन में जो पहली बात तो ये कि ये आर्टिकल मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और प्री के लिए अगर अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या है और रिसेंटली किस स्टेट को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, तो वो एक आप प्री में उस क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हैं। द प्रोटेस्ट वर अ थ्रो बैक टू द रेस्टिवनेस ट्रिगर्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल। ये माधव गाडगिल समिति का एक रिकमेंडेशन है वेस्टर्न घाट्स को लेकर के, वो जो रिपोर्ट है वो हमारे लिए मेंस के एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है जो हमारा GS3 और GS1 का पार्ट क्रिएट कर सकती है। टू कंजर्व द फ्रजाइल इकोलॉजी ऑफ द माउंटेन चेन बिटवीन 2012 to 2014। इस आप क्या हो रहा है, जो प्रोटेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इस रिपोर्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट चल रहा है। The area was the hub of protest in North Kerala against the WGEEP report. ये माधव गाडगिल report है। Violent protesters who were inflamed by rumors that their farmlands would be taken back had then set fire to a forest office and a police vehicle. ठीक है, अच्छा इस report को हमको refresher लेना है, हमको तैयार करना है और ये जो agitation है वो 100 दिन से ज्यादा का agitation चल रहा है, तो ये question है अपने आप में, mains में question create हो सकता है कि Kerala में जो protest हुआ वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के लिए किस तरह से इंपैक्टफुल है, ये एक क्वेश्चन आप मान के चलिए क्रिएट हो सकता है। और केरला का नाम दे देंगे और ये नहीं बताएंगे कि प्रोटेस्ट क्या था, आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको रीफ्रेम करना है, माधव गाडगिल रिपोर्ट को रेफर करना है और अपना आंसर लिखना है। इवन बिफोर द एपेक्स कोर्ट ऑर्डर द केरला गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड अ बफर जोन रिजीम ऑफ इट्स 24 प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 6 नेशनल पार्क्स। सो एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर के पहले केरला गवर्नमेंट ने 24 प्रोटेक्टेड एरियाज, 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 6 नेशनल पार्क्स पे एक रिपोर्ट बनाई थी बफर जोन को लेकर के। ठीक है, तो ये तो पहले से उनके दिमाग में ये चीज थी तो वो उस पर काम कर रहे थे एज पर द माधव गाडगिल रिपोर्ट। In its order, the apex court had directed the अब क्या हुआ, जो रिपोर्ट में क्या कहा कोर्ट ने वो समझते हैं। In its order, the apex court had directed the principal chief conservator of forest. अब ये जो position है ना, principal chief conservator, ये कौन होता है, इसकी क्या rights है और इसी से court ने report क्यों मांगी है, मतलब कोई बड़ी position है, so consider आप करिए। So प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ सबसिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स विद द रिस्पेक्टिव ईएसजीज एंड फर्निश अ रिपोर्ट विद इन 3 मंथ। 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है, किससे मांगी है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, PCCBA मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इसको आप समझ रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो पोजीशन है इस पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिपोर्ट मांगी है तो ये पोजीशन क्या है, इसके राइट्स क्या है, इसके इसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। द कोर्ट हैड इंडिकेटेड दैट द स्टेट्स यूटीज कुड टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर सैटेलाइट इमेजिंग और फोटोग्राफी यूजिंग द ड्रोन्स फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिपेयरिंग द लिस्ट। अब अगर आपको एरियल व्यू से किसी जगह का लोकेशन लेना है तो आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, सेटेलाइट का यूज कर सकते हो, फोटोग्राफी का यूज कर सकते हो, ड्रोन्स का यूज कर सकते हो। और इस तरह कोर्ट ने कहा स्टेट्स और यूटीज से कि आप रिपोर्ट हमको 3 महीने में दीजिए और आप इन सारे ऑप्शन का यूज करके एक सम अप रिपोर्ट बना के 3 महीने में सबमिट करिए। ठीक है, नाउ तो ये हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इस जो स्टडीज में है, जो हमारे लिए लास्ट पॉइंट बचेगा इस आर्टिकल के लिए, जो स्टडी कहती है मिस्टर वेणु है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी केरला गवर्नमेंट फील्स दैट देयर इज नो नीड फॉर वरी फॉर द स्टेट एज द एपेक्स कोर्ट हैज अपॉइंटेड आउट द दैट द मिनिमम विड्थ ऑफ ईएसजी मे बी डाइल्यूटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। उन्होंने कहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी है केरला गवर्नमेंट के, उन्होंने जो ऑलरेडी रिपोर्ट बनाई थी तो वो कह रहे हैं कि
जो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है इसको डाइल्यूट भी किया जा सकता है एज पर द पब्लिक इंटरेस्ट। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। केरला हैज मूव्ड द सेंट्रल इम्पार्ट कमिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विच विल गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन द स्टेट्स प्ली टू द सुप्रीम कोर्ट। द टॉप कोर्ट हैड केप्ट दिस डोर ओपन फॉर स्टेट्स व्हेन यू पॉइंट्स आउट। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे अपने खोल रखे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ये रूलिंग, जो ये ऑर्डर आया है उसके लिए ज्यादा प्रोटेस्ट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ रिपोर्ट मांगी गई है और पब्लिक इंटरेस्ट में उस डिमार्केशन को डाइल्यूट भी किया जा सकता है। तो ये था जिस इस आर्टिकल का। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमने तीन आर्टिकल डिस्कस किए हैं। पहला जो उस कफ सिरप के बारे में, उसमें जो सब्सटेंस है उसको आप फिगर आउट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए वो क्या चीज है, कहाँ कहाँ यूज होता है और प्री के लिए क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। बैड टू वर्ज मिस्टर नेतन्याहू, थियोक्रेसी क्या होता है जीएस वन के पेपर के लिए, और जो वहां पे कोई नया टर्न अगर आता, और हाँ यस मैप के लिए भी हमारा इसराइल, वेस्ट बैंक और पैलेस्टीन, इस मैप के पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। द अदर साइड ऑफ द सेंचुरी में जो डब्ल्यू जी ईईपी जो रिपोर्ट है, माधव गार्गी रिपोर्ट है, उसको हम रिफ्रेशर ले सकते हैं। और जो अभी फिलहाल के लिए जो रूलिंग है, रूलिंग नहीं आई, जो ऑर्डर है वो 3 मंथ्स के लिए है, तो उसके बाद जो प्रोटेस्ट है उसको वो रुक भी सकता है, कंटिन्यू भी रह सकता है, और जब उसकी फाइनल रूलिंग आएगी तो आप इसी आर्टिकल में उसको क्लब कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एडिटोरियल को लेकर के। मिलते हैं आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ समय बाद, और तब तक आप इसको रिफ्रेशर दीजिए और अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।